हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज हम आपको लेकर आए हैं होली स्पेशल चंद्र काला रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। होली में तो आप भुजिया, मलपुआ, पकौड़े बहुत सारे रेसिपी बनाते हैं। एक बार ये चंद्र काला बनाइए, आपके घर बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पर 200 ग्राम मैदा को अच्छे से छान करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक। नमक हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि कोई भी मीठे चीज में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी। आप चाहे तो देसी घी के जगह पे इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये 50 ग्राम देसी घी है, पर सारे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितना इसमें जरूरत होगी। तो पहले हम थोड़ा सा डाल करके एक चम्मच के इतना डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि देसी घी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो देसी घी के जगह पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें घी और की जरूरत है, तो एक चम्मच हम घी और डाल देंगे। इसे मैन भी बोलते हैं और मैं इसे मैदा में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे आटे में भी बना सकते हैं, आटे में भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अच्छे से मैदे और घी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से इसमें मैन हो गया है। तो आप इस तरीके से इसे बांध कर भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बंध रहा है, यानी घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतना घी हमने बचा लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। तो एक ही साथ ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसका गीला आटा नहीं लगाना है, इसका सख्त आटा लगाना है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइट आटा लगा लिया है। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी देसी घी लगा देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट रहे। अब इसके ऊपर से एक गीला कपड़े से इसे ढक देंगे इस तरीके से, ताकि आटा हमारा सॉफ्ट रहे, सूखे नहीं। और इतना आटा लगाने में हमने पानी आधा कप से थोड़ा कम ही यूज किया है। आप देख सकते हैं इसमें एक कप पानी था और इतना अभी पानी इसमें यूज हुआ है और इतना है ही। तो अब आटे को साइड में रखते हैं। तो अब हम चंद्रकला की स्टफिंग का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर 250 ग्राम खोया लिया है, अब इसे ग्रेट कर लेंगे। तो सारे खोए को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। तो 250 ग्राम खोया को ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें खोया को डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और खोया को लगातार चलाते हुए हमें थोड़ा सा भून लेना है। खोए को हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूनना है ताकि खोया जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। खोए को 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनेंगे क्योंकि खोए को हमें कलर चेंज नहीं करना है और लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। तब आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गया है, 2 मिनट से ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, इसका कच्चापन भी चला गया है। तब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो खोए को एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक खोया हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 पिस्ता ले लिया है और 4 से 5 अखरोट ले लिया है और थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम। तो सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट कट हो गया है, कट कर लिया है। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले बादाम डाल देंगे, कटा हुआ काजू, कटा हुआ किशमिश, अखरोट और पिस्ता और 2 चम्मच के करीब सूखा हुआ नारियल है, इसे कद्दूकस कर लिया है। तो ये भी डाल देंगे।
तो ड्राई फ्रूट आप अपना मनपसंद कोई भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इसे डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मावा हमारा थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो अब इसमें हम चीनी का पाउडर डाल देंगे। तो गर्म मावा में चीनी बिल्कुल ना डालें, ठंडा होने के बाद ही आप इसमें चीनी पाउडर या चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि गर्म मावा में चीनी डालने से चीनी अपना पानी छोड़ देती है, क्योंकि गर्म चीनी डालने से जो मावा है वो पानी छोड़ देगा, तो आपका स्टफिंग जो है काफ़ी लिक्विड हो जाएगी, तो आपको स्टफिंग भरने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए जब तक मावा आपका गर्म है तब तक चीनी या चीनी पाउडर इसमें बिल्कुल ना डालें, ठंडा होने के बाद ही डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मावा ठंडा होने के बाद ही आप इसमें चीनी या शुगर पाउडर डालें। तो यहाँ मैंने 1/3 कप पाउडर शुगर डाला है, वेट में बोलूँ तो 60 ग्राम के करीब होगा। तो मीठा आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। अच्छे से सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें पाउडर शुगर आप अपना पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट भी अपना पसंद से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो स्टफिंग हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं ऐसी हमें स्टफिंग चाहिए। तो अब इसे साइड में रखेंगे और चाशनी की तैयारी करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पे पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, और उसी कप से 1/2 कप पानी डाल देंगे, और इसी के साथ थोड़ी सी केसर के धागे डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। तब आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ गया है। तो चाशनी में उबाल आने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। थोड़ी सी इसमें चिपचिपा आ जाए उतना ही हमें इसे पकानी है। तो मीडियम फ्लेम पे चाशनी को पकाते हुए 2 मिनट हो चुका है, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी ठंडा करने के बाद हम हाथों से चेक कर लेंगे इस तरीके से। बस थोड़ी सी चिपचिपा होनी चाहिए, हमें तार नहीं बनानी है। तो आप देख सकते हैं ये चिपचिपा हो गया है, यानी चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तब गैस को हम बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने देंगे। तो गैस को फ्लेम बंद कर दिया है, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हल्की सी चिपचिपा बन गया है हमारा चाशनी। अब हम अपना आटा देख लेंगे, इसे थोड़ी सी हाथों से मसल लेंगे। तो इस तरीके से आटे को मसल लिया है, चिकना हो गया है आटा हमारा। अब इसमें आटे में से लोई तोड़ लेंगे और छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे तोड़ लेंगे पेड़े बनाने के लिए, और सारे को छोटे छोटे इस तरीके से पेड़े बना लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लिया है, और यहाँ पर चकला ले लेंगे और एक पेड़े ले लेंगे, और इसको मैदे में ब्रश कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो इस तरीके से बेल लेना है, आप देख सकते हैं, नहीं ज्यादा पतला बेलना है और नहीं ज्यादा मोटा बेलना है, और इसे गिलास से कट कर लेंगे। और इस तरीके से गिलास या कटोरी लेकर हम इसे कट कर लेंगे और इस साइड से निकाल देंगे, और इस आटे को दोबारा से हम यूज कर लेंगे। इसी तरीके से एक और बना लेंगे, तो फिर से पेड़े लेंगे और मैदे में ब्रस्टिंग कर लेंगे, और इसे फिर से पतला सा बेल लेंगे, नहीं ज्यादा मोटा बेलना है और नहीं ज्यादा पतला बेलना है। तो बेल लिया है, अब इस तरीके से फिर से गिलास से कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से छोटे छोटे बेल करके भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो ये बड़े से पेड़े बना ले और इसे भी ब्रस्टिंग कर ले, और इसे बड़ा सा रोटी जैसा बेल लेना है हमें। तो यहाँ पर एक जो पूड़ी बनाए हैं रखेंगे, और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे, इसके साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फ्राई करते समय ये कट भी सकते हैं इस तरीके से। और इसके साइड साइड से हम पानी लगा देंगे, और दूसरी पूड़ी भी ले लेंगे और इसमें भी साइड से हम पानी लगाएंगे इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और
साइड से हम इस तरीके से दबा देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस तरीके से हमें दबा देना है ताकि दोनों पूरी हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन डालेंगे, तो थोड़ा सा हम इसे हाथों से ऐसे दबाएंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए डिजाइन के लिए, इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा दबाते हुए हम ऐसे करके फिर इसे मोड़ देंगे, फिर इसे खींचेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो इस तरीके से हम इसे बनाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छे डिजाइन बन जाती है। इसी तरीके से आप चंद्रकला फ्राई करके भी एक हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक हफ्ते तक ये बिल्कुल खराब नहीं होता है, क्योंकि इसके मावा जो है वो भी बहुत अच्छे से भून रखा है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो ये लीजिए, सारे चंद्रकला बना करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चंद्रकला को फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है और गैस अपने मीडियम रखेंगे, हम मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म होने देंगे और चंद्रकला को इस तरीके से कपड़े से ढक कर रखेंगे, नहीं तो ऊपर से चंद्रकला हमारा ड्राई हो जाएंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, चंद्रकला को फ्राई करने के लिए हमें तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसमें चंद्रकला को डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और अभी हम इसे नहीं पलटेंगे, नीचे में थोड़ा सेक जाने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। एक बार में जितना चंद्रकला कढ़ाई के अंदर आ जाएगा उतना हम डाल देंगे। तो चंद्रकला को फ्राई करने के लिए तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि चंद्रकला ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी पर अंदर से खस्ता नहीं बनेगी, इसीलिए तेल को बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए। और चंद्रकला को हम तुरंत ही नहीं पलटेंगे, इसे धीरे धीरे ऊपर आने देंगे, नीचे से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फ्राई होगा ये धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, तभी हम इसे पलटेंगे। अब आप देख सकते हैं चंद्रकला हमारा धीरे धीरे ऊपर आने लगा है, तो अब इसे एक एक करके हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से थोड़ा थोड़ा सेकने लगा है, तो सारे चंद्रकला को हम पलट लेते हैं। अब आप देख सकते हैं चंद्रकला के ऊपर अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, तो चंद्रकला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तभी इसे निकाल लेंगे। तो चंद्रकला को फ्राई करने में मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट लगे हैं, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छा फ्राई हो गया है चंद्रकला हमारा, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल देंगे, तो चंद्रकला को चाशनी के अंदर डालेंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी है और चंद्रकला गर्म है, तो बहुत अच्छे से जो चाशनी है वो चंद्रकला के अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी, तो चंद्रकला के ऊपर चाशनी को डाल देंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी है और चंद्रकला गर्म है, तो चंद्रकला को हम चाशनी के अंदर नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से चाशनी डालने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरीके से बाकी के चंद्रकला सारे हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से चाशनी से हम बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखेंगे, बाकी के चंद्रकला चाशनी के अंदर डाल देंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे, इसे हमें इसमें छोड़ना नहीं है। तो ये लीजिए, सारे चंद्रकला बनकर तैयार है, तो चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, सारे चंद्रकला बनकर तैयार है, तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी चंद्रकला बनकर हमारा तैयार है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और अभी तो होली आने वाली है, तो होली पे आप इसे जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये एक चंद्रकला को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप अंदर से भी देख सकते हैं, आप अंदर से भी देख सकते हैं ये कितना रसीला है,
बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।